नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं आपका ज्योतिषविद योमवास शास्त्री अंशुल त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न के लाइफ पार्टनर के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कर्क लग्न वाले के जो लाइफ पार्टनर होते हैं किस तत्व के होते हैं, कौन से गुणों की प्रधानता उनमें पाई जाती है, या वो कैसे उनका स्वास्थ्य होगा या उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे। और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और शादी जल्दी हो नहीं रही है, इन तमाम चीज़ों के लिए हम आपको उपचार देंगे, जिसको आप करेंगे तो भगवान चाहेंगे आपके विवाह में भी सुधार आएगा, जो शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत चल रही है। साथ में जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं वो लोग भी इस रेमेडी को करेंगे तो उनका भी विवाह जल्दी होगा। और कौन से कलर को पहने या अपने लाइफ पार्टनर को गिफ्ट करें जिससे उनके जीवन में शुभता बढ़े, इन तमाम विषयों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न का जो लाइफ पार्टनर होता है वो पृथ्वी तत्व से प्रभावित होता है। पृथ्वी तत्व ज्योतिष में आर्थिक राशि है, तो ज़्यादातर कर्क लग्न का जो लाइफ पार्टनर होता है वो आर्थिक रूप से समृद्ध होता है। अपने जीवन में कार्य के प्रति सीरियस होता है, व्यवसाय के क्षेत्र में ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। साथ में नौकरी भी अगर करते हैं तो नौकरी में भी सफल होते हैं। आर्थिक रूप से यह एक रिच राशि है। स्वयं कर्क अपने आप में एक अच्छी राशि है। देखिए, जो आपको प्रिडिक्शन हम यहाँ पर बताएंगे इसमें कुंडली की और भी स्थितियां माने रखेंगी, लेकिन मोटे तौर पर ज़्यादातर ये चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी और पाई जाएंगी। आर्थिक स्थिति के साथ साथ हम आपको बता दें, परिवार अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा, लेकिन इनको अपने दम पर ज़्यादा चीज़ें करनी होंगी, परिवार से उतना भारी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा इनके लाइफ पार्टनर को। साथ में बीमारी की अगर बात की जाए तो इनको स्थिर, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, बीपी, इन सब चीज़ों के होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। साथ में शरीर में वात की अधिकता रहेगी, क्योंकि इनका शनि से गवर्न होती है मकर राशि, जिससे इनके लाइफ पार्टनर की, जिसके कारण से इनमें वात की अधिकता पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन से कलर को ये गिफ्ट करें अपने लाइफ पार्टनर को, या कौन सा कलर इनका लाइफ पार्टनर पहने तो इनके लिए बेस्ट होगा। आप अपने लाइफ पार्टनर को कोशिश करें नीले कलर की चीज़ें या आसमानी कलर की चीज़ें, ये चीज़ें आप अगर उनको गिफ्ट करते हैं या प्यार से उनको नमकीन चीज़ें खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं से उनका मूड फ्रेश होगा। और जिन लोगों को कर्क राशि वाले हैं और शादी नहीं तय हो पा रही है और एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, शनि की उपासना अगर आप करते हैं या भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में लाइफ पार्टनर प्राप्त होने में जो समस्या आ रही है वो जल्दी होने लगेगी। और जिन लोगों के जीवन में वैवाहिक सुख अच्छा नहीं है, लाइफ पार्टनर के साथ आए दिन विवाद, झगड़ा या खाने पीने की समस्या, आजकल तो ड्रिंक वगैरह बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, तो लाइफ पार्टनर के साथ अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे लोग कोशिश करें भगवान भोलेनाथ को जल में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर अगर भगवान को अभिषेक करें, भगवान के ऊपर चढ़ाएं, और साथ में उनको कभी कभी तेल का अभिषेक करें तो उनके घर में जो निगेटिविटी है वो ख़त्म होगी। और साथ में जो अभिषेक का जल हो वो किसी पात्र में लाकर अपने घर में छिड़काव करें और अपने लाइफ पार्टनर के कमरे में छिड़काव करें, तो आप देखेंगे निगेटिविटी से वह दूर जाएगा। और पृथ्वी तत्व होने के नाते कोई भी चीज़ करने में जो इम्प्लीमेंट आएगा वो थोड़ा सा स्लो रहेगा आपके लाइफ पार्टनर का, इसलिए आप धीरे धीरे अपनी बात कहते रहिए, लगातार कंटिन्यू धीरे धीरे कहते रहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि तुरंत कहेंगे तुरंत फॉलो हो जाएगा, ऐसा नहीं, आप उसको धीरे धीरे कहते रहिए। और विवाह में थोड़ा सा विलंब रहेगा। हाँ, एक अच्छी बात कर्क राशि वालों को और है, इनका लाइफ पार्टनर मैच्योर होगा, उसकी समझ अच्छी होगी या उम्र में ही मैच्योर होगी। कभी कभी देखा गया है कि एज में भी डिफरेंट पाया गया है कि वो ज़्यादा एज रहा है, और साथ में एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रहेगा, क्योंकि
पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं परम भौतिक राशियां होती हैं, तो ऐसी राशियों वाले जो जातक होते हैं वो सुख सुविधा के भोगी होते हैं। तो कर्क राशि का जो पार्टनर है वो पृथ्वी तत्व से प्रभावित रहेगा। लोहे की चीज़ें उनको खूब सूट करेंगी, शनि से प्रभावित चीज़ें उनको खूब सूट करेगी। हाँ, खाने पीने में थोड़े से चटपटे स्वाद के शौकीन होंगे, लेकिन यही चटपटा स्वाद उनको आगे थोड़ा सा हेल्थ इशू खड़ा करेगा। मैंने कहा ना, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली बीमारियां कहीं ना कहीं से जीवन में आएंगी। घर गाड़ी के संबंध में ये लोग लकी होंगे अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से। लाइफ पार्टनर इनको एक अच्छी गाड़ी, एक घर की सुविधा जरूर देगा। चीज़ें थोड़ी स्लो और लेट रहेंगी, आप, क्योंकि हमने कहा ना धीरे धीरे आपको इनको पुश करना है और धीरे धीरे आपकी चीज़ें पूरी होंगी। आप अपने लाइफ पार्टनर से अगर चाहते हैं कि वो क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, तो आपके लिए डिसीजन पावर उसका बहुत अच्छा रहेगा। जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, वो बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएगा आपके जीवन में। आपको हमेशा उसके डिसीजन को ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर का दिल दुखाएंगे तो कर्क राशि वाले खास तौर से ध्यान रखें, वो चीज़ उनके दिमाग में फिट हो जाएगी और जब कोई भी निगेटिविटी आएगी तो वो चीज़ें उनके दिमाग में रिमाइंड होने लगेगी। कहीं ना कहीं से उनको लगेगा कि वो चीज़ें फिर हो रही हैं, फिर हमारे साथ वही चीट हो रहा है। ये तमाम चीज़ें उनके दिमाग में आएंगी और इसके कारण से हमने बहुत बार देखा है कि लाइफ पार्टनर के बीच में एक अजीब सा अलगाववाद पैदा होता है, या कह दीजिए दोनों के बीच में डिप्रेशन जैसी कंडीशन आ जाती है। तो कोई भी चीज़ आप करिएगा, आराम से करिएगा। इमोशनल रिलेशनशिप आप अगर बना के रखेंगे एक दूसरे के प्रति, थोड़ा सा ईमानदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा कर्क का स्वामी है, उसमें थोड़ी सी चंचलता पाई जाती है। तो कभी कभी ये लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ऐसी भी गलतियाँ कर देते हैं जिससे इनका लाइफ पार्टनर थोड़ा सा नाराज होता है। तो चंद्रमा कर्क राशि वाले स्वयं थोड़ा संभल के रहें, लाइफ पार्टनर के साथ वो चीज़ें ना करें, नहीं तो उनके लाइफ पार्टनर के दिमाग में ये बात घूमती रहेगी। ये रही लाइफ पार्टनर का स्वभाव घर गाड़ी नौकरी और व्यवसाय के संबंध में। हमने रोग के भी बारे में बात किया, परिवार का सपोर्ट रहेगा लेकिन इनको अपने बल पे ही सारा कुछ करना पड़ेगा। नीले कलर की चीज़ें, आसमानी कलर की चीज़ें ये अपने लाइफ पार्टनर को गिफ्ट करें। शिव जी की और कृष्ण की पूजा करें, आपका अच्छा प्रेम आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं शनि देव को, अगर हर शनिवार को आप मंदिर जाते हैं तो जिनके विवाह में विलंब हो रहा है उनकी शादी जल्दी होगी, नहीं तो ये विलंब बना रहेगा। और साथ में वैवाहिक सुख में भी अगर कमी आ रही हो तो आप शनि देव की सेवा करें। हाँ, अगर आपके लाइफ पार्टनर के व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है या नौकरी में प्रॉब्लम आ रही, तब भी आप शनि देव की पूजा करें तो देखेंगे लाइफ पार्टनर के जो व्यवसाय या नौकरी में दिक्कत आ रही वो आनी कम हो जाएगी। ये तमाम जानकारियाँ हमने आपको बताई लाइफ पार्टनर के संबंधी। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो आपके मन में, कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको कुंडली अपनी दिखानी है या बास्ट के संबंध में बात करना है तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।